तो हेलो गाइस, मैं मनोज कुमार बीजापुर कर्नाटका स्टेट से। आज मैंने एक न्यू मशीन ली है कास्ट किंग का, देख सकते हैं। यह है कास्ट किंग का रॉयल लेजेंड 200 सीरीज़। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है, बहुत हेवी मटेरियल यूज़ किया है इसमें और स्मूथनेस का तो लाजवाब। इसका गियर रेशो है 6.4.1। ये देखिए इसका गियर रेशो यहाँ दिया हुआ है 6.4.1। बहुत ज़बरदस्त रील है, इसका स्मूथनेस बहुत ही उम्दा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया है। सभी लोग चाहते हैं कि डीप स्पूल हो, डीप स्पूल हो, तो इसमें वो सारी स्पेसिफिकेशंस है। स्पूल का डीपनेस भी अच्छा खासा दिया हुआ है इसमें, दिख सकता हूँ। ये देखिए इसका स्पूल अच्छा खासा डीप दिया हुआ है, बहुत गुड क्वालिटी का फिनिशिंग वर्क है। मशीन लो तो ऐसी लो, कास्ट किंग बहुत ज़बरदस्त मशीन प्रोवाइड करता है एंग्लर्स के लिए। ये देखिए रॉयल लेजेंड 200, बहुत ज़बरदस्त मशीन। इसको मेंटेन करने का तरीका ऐसा है कि इसके साथ में जो ड्राइंग्स दे रखी हैं इसमें आपको पूरा स्पेसिफिक दिया हुआ है किस तरीके से आपको मशीन को मेंटेन रखना है, तो जिस वजह से आप लोग मशीन्स के अंदर जो हेर फेर कर देते हैं वो सारी चीज़ें अगर आपको समझना है तो इसके साथ में इसका ड्राइंग भी दिया रहता है। ये है ड्राइंग, ये पूरा पार्ट्स का डिटेल्स इसमें दिया रहता है, मेंशन किया रहता है कि कौन सा पार्ट का क्या नाम है, कौन सी पार्ट किस जगह लगती है, सारा का सारा डिटेल्स इसमें दिया रहता है। तो जब भी आप मशीनें लेते हैं तो उनके ड्राइंग्स, पार्ट नंबर, ख़ास तौर से शिमानो के जो ब्रांड्स के हैं तो उनके ये सारी चीज़ें उनको संभाल के रखनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपको क्लीनिंग करना है, पूरा का पूरा इसमें डिटेल्स बताया है, ठीक है। और जब कास्टिंग करते हैं तो कितना डिस्टेंस पे धागा रखना है, कितना डिस्टेंस पे अपना फ्रॉग रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ना अपना गाइडलाइंस बताया हुआ है जैसे कि आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से काम करे। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, हैमर का इस्तेमाल ना करें, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल ना करें कहीं पे भी ग्रीस लगाने के चक्कर में, ब्रश से इस्तेमाल करें ग्रीस लगाने का काम जो भी रहेगा। 8 kg का ड्रैग पावर है इस मशीन का, और ड्रैग पावर आप लोगों को कैसे सेट करना है वो भी इसमें बताया गया है। अगर आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी मशीन है, ये आपका रॉड है, यहाँ पर है वेट स्केल, ठीक है, इसमें धागा बांधा रॉड के साथ में। अभी मान लीजिए अगर मशीन का वेट कैपेसिटी है 8 kg का ट्रैक, तो इसको हमको 5 पे रखना है, तो इसको जो है धागे के साथ ट्राई करनी है और खींच के देखना है कि इसका वेट 5 kg तक का खींच रहा है या नहीं खींच रहा। अगर 5 kg तक आ गया तो मतलब आपका परफेक्ट काम, जिससे कि मशीन्स के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत अच्छा फिनिशिंग वर्क दिया है, बहुत अच्छा गाइडलाइंस देता है कास्टिंग। और हालांकि लोग कहते हैं कि यार कास्टिंग का मॉडल अच्छा नहीं रहता है, मेरे पास जितनी भी मशीन है मेरे पास ओल्ड, सब कास्टिंग की ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये भी एक मशीन है जो बहुत बेहतरीन है,
मेरे पर्सनल यूज़ के लिए लाया मैंने। 30 mm का धागा इसमें 90 मीटर्स बैठता है, 30 mm का, तो काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा है और एक ब्रांड है, क्वालिटी है जो जो आप लोग मशीन देखते हैं कि यार 15 kg का ड्रैग चाहिए, 20 kg का ड्रैग चाहिए, ठीक है रहना चाहिए, लेकिन उतना समय उसका यूज़ भी होना चाहिए। 3,500 दे के आप लोग मशीन ले लेते हैं, प्रॉब्लम ये 1 महीने में आ जाती है, रिपेयरिंग जल्दी नहीं होती है, फिर आप सोच में पड़ जाते हो यार मेरा तो यार पैसा 3,500 रुपये नुकसान हो गया। लो, वन टाइम लो, प्रोडक्ट अच्छा है। मशीन लिया है मैंने अपने फ्रेंड M4 फिशिंग टैकल बीजापुर से मंगाई है, मोशिन भाई के पास है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, थैंक यू। तो जैसे कि गाइस, आज मैंने मशीन ली है कास्ट किंग की, रॉयल लेजेंड 2 200। परफॉर्मेंस इसका बहुत बेहतरीन है, आज ही लिया है और ओपनिंग भी किया है, तो देख सकते हैं साथ में मच्छी। ज़बरदस्त शिकार, बहुत ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आईज, बहुत ही लाजवाब। है 4 kg के आसपास का, लेकिन जो भी है फाइट अच्छा दिया, मशीन में पता ही नहीं चला कि मच्छी को कैसे बाहर निकाल लिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।